सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। माइकल होल्डिंग ने एक बार फिर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। माइकल होल्डिंग एक बेहतरीन क्रिकेटर तो थे ही, मगर उसने ये साबित कर दिया है कि वो बेहतरीन इंसान भी है, जिसके शानदार बयान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ेंगे, मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद वेस्ट इंडीज के लेजेंड बॉलर माइकल होल्डिंग ने श्रीलंका की तरह दीगर बैन अलावी टीमों की पाकिस्तान आकर खेलने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में और भी टीमें क्रिकेट खेलने आए ताकि यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से कायम तासर खत्म हो सके। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी से मुतालिक सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए माइकल होल्डिंग का कहना था कि कराची का दौरा बहुत आराम दे रहा और हमें किसी किस्म की परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि कुछ हो नहीं सकता। होने को दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर को सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन हमने देखा है कि अमरीकी सदर पर भी हमले हुए, हत्ता कि मेरे साथ जमैका में भी कुछ भी हो सकता है। असल बात दुनिया को इस बात का यकीन दिलाना है कि जो हिफाजत फराहम की जाएगी वो बेहतरीन होगी। इनका कहना था कि लोगों ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत से बातें बनाई है, ऐसे में पाकिस्तान को दीगर टीमों को यहाँ लाने में भी बहुत मेहनत करना होगी और इस तासर को खत्म करना होगा जो लोगों को यहाँ आने से खौफजादा करता है। माइकल होल्डिंग ने मजीद कहा है कि ये तासर का ही फर्क है कि लंदन धमाकों के बाद भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपना दौरा इंग्लैंड जारी रखा था, इसलिए पीसीबी को साबित करना होगा कि सब कुछ वाकई ठीक है और ऐसा इस वक्त ही होगा जब श्रीलंका की तरह दीगर टीमें यहाँ आए और वो इन दौरों में दुनिया को साबित करे कि सब कुछ बेहतरीन है। तो दोस्तों ये थी माइकल होल्डिंग और पाकिस्तान के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।